सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार हमारी केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन पर महज एक दिन बाकी रह चुकी है। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हमारी क्लास ट्वेल्थ की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पोर्शन है, उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी और कैसे पढ़ना है। और यार मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे दे दी है और उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि SF6 का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2SO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो दोनों चीज़ों को आप लोगों को पढ़ लेना है। साथ ही साथ अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके मैंने जो पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रहा है? लूप होल्स के बारे में बात करेंगे और हम लोगों को जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतना डर लगता है, वो डर अभी आप लोगों का दूर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस होते हैं, मुझे सिर्फ बड़े बड़े रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अभी सारी टेंशन दूर हो जाएगी जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि ग्रुप 15 एलिमेंट को एलिमिनेट कर दिया गया है हमारे सीबीएसई के सिलेबस से। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए वो मैंने कहीं से कलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट मतलब कहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उन क्वेश्चंस का और उनको मैंने पीडीएफ बनाया है सारे जगह से कलेक्ट करके। तो इस वजह से उसमें ग्रुप 15 की भी क्वेश्चंस हो सकती है। तो जहां पे आप लोगों को ग्रुप 15 एलिमेंट्स के क्वेश्चन मिलेंगे उसे आप लोग स्किप कर जाना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे डिक्रीज हो जाएंगे या फिर मैं कहूं तो घट जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लेना है और फिलहाल हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या एग्जामिनेशन की होल्स लूप होल्स है और कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे कि हम लोगों की एटलीस्ट जो हमारी पी ब्लॉक प्लस डी ब्लॉक प्लस एफ ब्लॉक मिला के अगर हमारी अगर सपोज की 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें मिनिमम कितने भी बुरी कंडीशन पे हम लोग 8 से 10 नंबर लेके आ पाए, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर हम लोग चलते हैं। अदर्स ईयर, तो बेसिकली यार मैं अभी आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन है उसे आप लोगों को कैसे बनाना है या फिर किस तरीके से आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना है। तो उससे पहले यार कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरे से नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे। तो देखो यार, जो लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है वही लिंक अगर जब आप क्लिक करोगे उस लिंक पे तो ये वेबसाइट पे पहुंचोगे। अब यहाँ पे आप लोगों को ये जो ऑरेंज वाली दिख रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 डाउनलोड क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करो आप लोग। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने ही क्लिक किया, ठीक है। ये देखो पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। अब अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आता है, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपकी ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। खैर ये तो बात दूसरी रही, ये तो दो तीन बच्चों की डाउट आती है इसलिए मैंने बता दिया। अब आप लोगों को ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोगों को तैयार कैसे करना है ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं तो अपना ये पीडीएफ जहाँ पे मैंने तैयार किया है वो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को दो तीन दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दो या तीन टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कह सकते हो। पहला तो होता है हमारा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा होता है हमारा गिव रीजन या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। और तीसरा जो होता है हमारा, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो होता है आपकी कि आप लोगों को कोई भी एक सपोज कि आप लोगों को PCl5 की जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दी जाएगी, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। तो हम लोगों का जो ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है हम लोग इस चीज़ को देख के डर जाते हैं और बेसिकली यहाँ पे ही सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे नीचे जितने भी ये क्वेश्चंस जो दिए हैं मैंने, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के दिए हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आता है तो वो इन टॉपिक्स में आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को दिखा के कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैंने यार प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उसमें से मैंने उस पोर्शन को स्क्रीनशॉट लेके रखा है जहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी गई है, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखा रहा हूँ। देखो ये 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे फोकस करना जहाँ पे मेरी कर्सर है। यहाँ पे देखो यार पांच क्वेश्चन दिए हैं और पांचों गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अल्टरनेटिव और में दिया गया है हमारा रिएक्शन। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 90% चांस ये रहती है कि आप लोगों का गिव रीजन टाइप का क्वेश्चंस वो आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप जो मैंने पीडीएफ जो यहाँ पे दिए हैं, इस पीडीएफ में मैंने आप लोगों को देखो यार बहुत सारे गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं और इतने अगर गिव रीजंस अगर आप कर लेते हो तो आपकी एग्जामिनेशन पे कोई भी क्वेश्चन मिस होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है।
तो ये तो रहा है पहला क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे आप लोगों को ये साफ साफ दिख रहा होगा कि गिव रीजन और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं आप लोगों को और भी, जैसे कि यहाँ पे डी ब्लॉक की क्वेश्चन भी अगर आप ले लो, तो यहाँ पे दिया गया है कि Cu2+ या Sc3+ V2+ Ni2+ ये कलरलेस क्यों होती है, वाई, तो ये भी गिव रीजन टाइप का ही क्वेश्चन है। और नीचे में आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है और में दिया गया है आपको कि एक रिएक्शन आप लोगों को पूरी करनी है। तो आप अगर सिर्फ एक पेपर में देख लो तो 5 नंबर और 5 नंबर 10 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके बन जाते हैं अगर आपको सिर्फ गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस जो कि मैंने यहां पे आप लोगों को दिए हैं ये आप लोग कर लेते हो। अच्छा एक चीज और देखो यार, मैं इसमें आप लोगों को कह रहा हूं कि सिर्फ आप लोगों को गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस करने, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बहुत जितने बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं या फिर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं उसमें देख पाता हूं कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये डाउट आती है या फिर ये वाली प्रॉब्लम आती है कि वो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसमें आप लोगों को रिएक्शंस भी मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शंस मिला, यहाँ पे रिएक्शन मिला, तो अगर आपको रिएक्शंस में प्रॉब्लम आती है तो वो रिएक्शन वाले क्वेश्चन को आप स्किप कर देना और सिर्फ आप लोगों को गिव रीजन वाले क्वेश्चन करना है। गिव टू यूजेज ऑफ ओजोन, तो ये वाली क्वेश्चन आपने कर ली, जैसे कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर दी फॉलोइंग, तो ये वाला हो गया हमारा गिव रीजन टाइप क्वेश्चन। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सारे को कर लेने हैं और अगर आपके पास टाइम बचता है और कहीं ना कहीं अगर आप रिएक्शन याद कर पाते हो तो फिर आप रिएक्शन याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये कि आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने जितने भी यहाँ पे बनाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे XeF2 का स्ट्रक्चर हुआ या फिर XeO3 का, H2O3, H2OH2-, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप लोगों को कर लेने। ठीक है, तो खैर ये तो मैं बता रहा था कि यार कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पी डी और एफ ब्लॉक में। तो इसमें एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आपको कौन से क्वेश्चंस को यहाँ पे करने हैं। ठीक है, मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको फोर्स मैं नहीं कर रहा कि आपको रिएक्शंस नहीं करने, लेकिन जिन बच्चों की कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक कमजोर है मैं तो यही कहूँगा कि कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा है कि आप सारे गिव रीजन को पढ़ लें। अगर वहाँ पे 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। अब मैं दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन थी जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाई आपको। अब मैं यहाँ पे दूसरा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये रहा, मैं नीचे आया। अच्छा अब यहाँ पे देखो यार, स्ट्रक्चर यहाँ पे मांगा गया है। पहला देखो, ये जो 5 नंबर की एक क्वेश्चन है, 5 नंबर की क्वेश्चन में पहले तो SF6 का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप लोगों को यहाँ पे देखो दिया गया है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने दिए हैं अगर वो प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में उससे कोई नई स्ट्रक्चर तो आने से रही। ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम तो आपकी दूर हो जाएगी। दूसरी बात ये जो मैं प्रीवियस ईयर दिखा रहा था कि अब देखो ये जो क्वेश्चन इस बार आई है इसमें गिव रीजन टाइप की क्वेश्चन आई है कि व्हाट हैपेंस व्हेन I2 इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड, व्हाट हैपेंस, व्हाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये दूसरी साल के भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन, ये 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन भी गिव रीजन है और 35 नंबर क्वेश्चन भी जो दी गई है वो भी आप लोगों को गिव रीजन दी गई है। अब मैं और एक अगले साल का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये दूसरी क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप लोग देखो, ये देखो, एक तो आप लोगों का यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन दी गई है और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस दी गई है और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ में ही आप लोगों को अगर ये 2 मार्क्स की है तो 3 मार्क्स का आप लोगों को गिव रीजन भी दिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप लोगों की बैड टू बैड कंडीशन भी रहती है तो अगर आप सिर्फ गिव रीजन भी करके जाते हो तो एटलीस्ट आप 70-80% क्वेश्चंस तो करके आओगे ही आओगे। अब यार CBSE ने इस बार बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है तो अगर कुछ वैसी बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम आ जाती है फिर कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आ जाता है तो फिर मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी आप कोई भी साल के क्वेश्चन को उठा के देखो तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ करने से आपकी सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि एक और साल का मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें 36 नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो, तो इसमें भी आप लोगों को दिखेगा कि एक तो पहले रिएक्शन दी गई है और रिएक्शन के साथ साथ आप लोगों को दूसरा जो दिया गया है वो है गिव रीजन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक 37 नंबर क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करो, अब इसमें भी देखो पहला तो रिएक्शन दिया गया लेकिन रिएक्शन के साथ साथ गिव रीजन आता ही आता है। देखिए आप और में भी देखो तो एक रिएक्शन दिया गया और रिएक्शन के साथ साथ आपको एक गिव रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। तो गिव रीजन अगर आप रिएक्शन नहीं भी करते हो तो ये चीज़ बेफिक्र रहो कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगी, आपसे क्वेश्चन बनेगी हाँ लेकिन 100% नहीं बनेगी, 90%, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो 100% भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। होपफुली जो चीज़ें मैंने बताई हैं और जो रिएक्शंस वगैरह मैंने दिए हैं नीचे और कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया, तो PDF को डाउनलोड करो और तैयारी करना स्टार्ट करो। हम लोग अगर बहाने ही बनाते रह जाएंगे तो हमारी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगी और एग्जामिनेशन अभी हमारे सर पे है, तो फिर ये PDF को डाउनलोड करो। और अभी मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि आप लोगों को ये PDF जो है वो
किस तरीके से डाउनलोड करनी है। कल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, परसों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, ऑब्जेक्टिव के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, तो उसे भी प्रैक्टिस करो अच्छे से। और एनसीईआरटी आप लोगों के लिए मस्ट है, तो एनसीईआरटी अगर नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को यहां से क्वेश्चंस करनी है। अगर एनसीईआरटी आप 100% कर जाते हो तो फिर इन क्वेश्चंस को करने की आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस थोड़ी से ज्यादा लग रही है क्योंकि इसमें रिएक्शंस दिए गए हैं। अगर आप बड़े बड़े रिएक्शंस को अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आप लोगों के पास ज्यादा चीजें बचती नहीं है पढ़ने को, और बहुत सारे क्वेश्चंस सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं, इसी वजह से ये थोड़ी सी लेंदी लग रही है। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, होपफुली आप लोगों की एग्जामिनेशन काफी अच्छी होगी। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।